गाजियाबाद में सामने आई मर्डर की लाइव तस्वीरें। 8 लोगों ने मिलकर उतारा एक शख्स को मौत के घाट। नशा मुक्ति केंद्र के केयरटेकर की गला दबाकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई कत्ल की खौफनाक तस्वीरें। सीसीटीवी की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। कत्ल की ये लाइव तस्वीरें साहिबाबाद इलाके की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स आराम से एक कमरे में सो रहा है, तभी एक एक कर 8 लड़के दाखिल होते हैं। पहले तो वो उस शख्स के आसपास पड़े कपड़ों के टुकड़ों को हटाते हैं, पास का फर्नीचर भी हटाते हैं और उसके बाद गहरी नींद में सो रहे उस शख्स पर टूट पड़ते हैं। कोई उसके हाथ पकड़ता है, कोई उसके पांव, और 8 में से 2 लोग उस शख्स की गर्दन को निशाना बनाते हैं। वो इन लोगों की गिरफ्त से छूटने की बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन वो उसे काबू में कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट के इस वीडियो में खुद को मौत से बचाने के लिए गिरफ्त में आया आदमी काफी जद्दोजहद करता है, लेकिन 8 लड़कों के आगे उसकी एक नहीं चलती और धीरे धीरे उसकी सांसों की डोर टूट जाती है। कत्ल की खौफनाक तस्वीरें एक नशा मुक्ति केंद्र की हैं, जो साहिबाबाद के लाजपत नगर में है। आभार नाम के इस नशा मुक्ति केंद्र के केयरटेकर आबिद खान हैं, जो इस वारदात का शिकार बने। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि वारदात रविवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। उस वक्त नशा मुक्ति केंद्र में करीब 35 लोग मौजूद थे, जिन्हें नशे की लत छुड़ाए जाने के लिए वहाँ भर्ती किया गया था। दिवाली की देर रात नशा मुक्ति केंद्र के पिछले वाले हिस्से का एक दरवाजा खुला रह गया और यहां पर इलाज करा रहे 8 लोगों ने केंद्र के केयरटेकर आबिद खान का कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। एक्चुअली पेशेंट है 35-34 के करीब, तो उनमें से 8 पेशेंट रात ये गेट खुला है, पीछे गेट में से अंदर आके जो हमारे केयरटेकर हैं, काउंसलर हैं, आके उनके हाथ पैर बांध के उनका मर्डर करके यहाँ से, पीछे आप देख रहे हो ये गेट है, इसमें से यहाँ से भाग गए। क्या नाम था उनको? उनके चांद, सुदेश, आपका दीपक और विशाल और ऐसे 2-4 नाम। सुबह के वक्त किसी ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और कत्ल का सीसीटीवी भी सामने आया। सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। में वहाँ जो पेशेंट बहुत सारे एडमिटेड हैं, उनमें से 8 लोग फरार हो गए हैं और उनका मर्डर करके फरार हुए हैं। इस सूचना पे केस रजिस्टर किया जा रहा है साहिबाबाद थाने में और हमारी 2 टीमें गठित हो गई हैं, जल्द उनको अरेस्ट कर लेंगे और जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। कौन थे सर ये लोग, प्रोफाइल सामने आया इनका? इनका प्रोफाइल सामने आया ही है, कुछ स्थानीय भी थे, कुछ दूर के थे, उनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही अरेस्ट करेंगे उनको। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे लोगों का वहां से भागने का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन कत्ल की ये तस्वीरें वाकई बेहद खौफनाक हैं।